नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शानदार एक्शन देखने को मिला है नई सीरीज के पहले दिन ही। बाजार में शानदार मूव आया है, लाइफ हाई क्लोजिंग आ रही है। वीकली बेसिस पे बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला है हम सभी को। वीकली क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है और ब्रॉडर मार्केट की सिचुएशन भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अभी 3:04 का समय हो रहा है और ये वीडियो 3:30 तक आप सभी के साथ में पोस्ट करूंगा। अगर मैं देखूं तो अभी से 20 मिनट पहले और अच्छा सिचुएशन थी, लेकिन अभी आखिरी के ये 5-7 मिनट में थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ी है, क्योंकि लगभग 750 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव थे, लेकिन करंटली जो है 850 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव हो चुके हैं। तो थोड़ा नेगेटिविटी बढ़ गई है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% चले गए थे ऊपर, अभी थोड़ा नीचे आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको ऊपर से स्टॉक्स भी थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए दिखे। पॉजिटिव दोस्तों, डाव फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स दिख रहे हैं स्टिल, तो उम्मीद करते हैं शायद मंडे का ट्रेडिंग सेशन भी एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहे भारतीय बाजार के लिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए 25,200 के ऊपर सुबह से ट्रेड करना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये 25,500 तक की जगह खोलता है निफ्टी एज ए इंडेक्स में, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, 25,500 तक की जगह खोलता है। आगे बात करूं अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो एक्शन आज भी भरपूर था स्टॉक स्पेसिफिक, नेगेटिव साइड पे भी बहुत थे, पॉजिटिव भी बहुत थे, लेकिन आज आपकी पोर्टफोलियो हरी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अच्छी तेजी में था, उतनी भयंकर तेजी नहीं थी, थोड़ी बहुत तेजी थी, लेकिन तेजी थी आज। एट द एंड अभी तो पता नहीं है, लेकिन अभी की सिचुएशन ये कि 850 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव है, 1485 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आगे मैं बात करूं, आज टॉप गेनर में पेटीएम था, कमाल कर गया ये स्टॉक अपने खबर के दम पर, 12% की रैली कर रहा है। जेएसएल में मूव आया है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सफारी इंडस्ट्रीज एंड रेडिको खेतान, ये लिकर स्पेस आज पूरा ही एक्टिव था, रेडिको एक्टिव था, आपका ग्लोबस स्पिरिट तो 20% का ही सर्किट लगा दिया है, एंड आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट में भी मूव होना चाहिए, बाकी मैंने चेक नहीं किया है, तो वो सारे स्टॉक ही आज आपके लिए काफी एक्टिव थे। दोस्तों जस्ट अभी अभी प्रेस्टीज स्टेट्स में एक बहुत बड़ा मूव आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कैंडल फॉर्म हुई है 3:05 का, आप जरा उसका हाई और लो देखिए। लो है 1791 का और हाई है 1870 का, एंड करंटली प्रेस्टीज स्टेट 1812 पे ट्रेड कर रहा है 3:06, यानी बीते 8 मिनट में ये शेयर ऊपर से ₹70 टूट गया है, 4% टूट गया है प्रेस्टीज स्टेट, एंड स्टिल 4.5% ऊपर है। प्रेस्टीज स्टेट के स्टॉक में बहुत ज्यादा बड़ा मूव आता हुआ दिखाया, मे बी कोई डील हुई है, कोई ट्रेड बना है, कोई बड़ा ट्रेड हुआ है। जस्ट अभी जब मैंने वीडियो शूट शुरू करी थी तो 8% ऊपर हो रहा था, एंड करंटली 4.5% नीचे है, तो प्रेस्टीज स्टेट का स्टॉक बहुत बड़ा मूव देता हुआ दिख रहा है जस्ट अभी अभी, तो एक अपडेट बनती थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, टॉप गेनर्स की लिस्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेटीएम, जेएसएल, त्रिवेणी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपलिन पॉइंट, सफारी, रेडिको खेतान, गॉडफ्रे फिलिप्स, सुंदरम फाइनेंस, आरवीएनएल, श्री रेणुका सुगर, ये सारे स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, एंड स्टार हेल्थ 5.25% ऊपर, ये भी देखने को मिल रहा है, बढ़िया मूव है। तो ये स्टॉक आज के आपके लिए टॉप गेनर की लिस्ट में थे। अब आता हूं टॉप लूजर की लिस्ट, वैसे तो ज्यादा बड़ी है नहीं, फिर भी बता देता हूं। एनबीसीसी 4.5% नीचे था, सीजीसीएल में हल्की गिरावट थी 4% के करीब की, हुडको 4% नीचे था, नेटवर्क 18 में 4.25% की गिरावट थी, वोडाफोन आइडिया 3.5% नीचे था, वोल्टास कोचिन शिपयार्ड आज नीचे क्यों है, जिसमें गार्डन रीच अच्छा कर रहा है, मजगांव अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद कोचिन शिपयार्ड नीचे है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में हल्की गिरावट थी, मिंडाकॉप एक बार फिर 3% नीचे आता हुआ दिखाया, चोला होल्डिंग में गिरावट थी, तो ये जो डेली बेस पे चल रहे हैं वो आज थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो 17 स्टॉक्स आपके लिए नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स गिरावट को लीड कर रहा है 1% के साथ, फॉलोड बाय रिलायंस, टेक महिंद्रा, मारुति एंड आईटीसी। आपके लिए तेजी 33 स्टॉक्स में थी, लीड कर रहा था सिप्ला फार्मा से, देन एमएनएम, बजाज फाइनेंस कमाल कर गया, डीवीज लैब, डॉक्टर रेडी, एनटीपीसी, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, ये सारे स्टॉक अच्छे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज हम सभी को। नेक्स्ट आगे आप सभी के साथ बात करूं तो आज काफी सारे स्टॉक जो है हाई मूवर्स रहे हैं दोस्तों,
काफी बड़े बड़े मूव देते हुए दिखे हैं, जिनके बारे में मैं दिन के दौरान आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी आज आप सभी के साथ शेयर करूंगा, जो डेफिनेटली आप चैनल पे बने रहिएगा देखने के लिए। सुगर स्टॉक्स आज सेक्टर ऑफ द डे था, मैं एक तरीके से कह सकता हूं, लेकिन आपने जो मॉर्निंग में तेजी देखी वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी साफ हो गई। अगर सुबह कोई स्टॉक सुगर का 8-10% ऊपर था, एट द एंड वो 3-4% ही ऊपर रह गया। उसके पीछे रीजन मैंने आपके साथ दिन के दौरान सेकंड वीडियो में ही कवर किया था, जब मैंने लगभग 11:30 वीडियो पोस्ट कर दी थी, कि जो ये हुआ है इसका असली मजा आपको अक्टूबर या सितंबर मिड में एक खबर आएगी तब देखने को मिलेगा, और वो खबर होगी कि एथेनॉल के प्राइस रिवीजन कर दिए गए हैं। अभी मैं आपको अपडेट दे दूं तो EIDPI 2.5% ऊपर है, दिन के दौरान ये लगभग 870 तक गया था, अभी 836 पे है। बलरामपुर चीनी 3% ऊपर है, ये 6-7% तक भागा था। श्री रेणुका शुगर 5% ऊपर है, 8-9% तक भागा था। त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टिल 8% अप है, तो ये अच्छा कर रहा है। बजाज हिंद में अच्छी तेजी है 5% की। बन्नारी अमान शुगर अच्छा कर रहा है। दालमिया भारत ये 7% ऊपर है अभी भी। अवध शुगर स्टिल 7% ऊपर है। धामपुर शुगर में भी बढ़िया तेजी है। उत्तम शुगर स्टिल 3% ऊपर है, 6% तक चला गया था। उगर शुगर, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, सारे ही शुगर स्टॉक्स मतलब 3-10% तक की रैली आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो पूरा ओवरऑल मार्केट बहुत ही प्यारा ट्रेड करता हुआ दिखा, एंड एट द एंड अभी हम वापस से डीआई की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी पे 25,240, देखो इंडेक्स तो 25,500 की तरफ जा रहा है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 25,500 की तरफ इंडेक्स जा रहा है, एंड ये मेरे को लगता है काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो ETF वाले इन्वेस्टर तो डेफिनेटली खुश होंगे, और मैंने 23,824 पे कहा था कि कुछ नहीं समझ में आ रहा ETF ले लो यार, ETF भी लिया तो देखो आप 4% पैसा बना जाते। तो ETF का अपना एक मजा है, सेफ्टी है, रिटर्न्स हैं, तो वो भी जरूर आप निवेश करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।